देखो देखो वो आ गया अरे कौन आ गया अरे वो आ गया सच में आ गया सर अरे आ गया भाई साहब आ गया जो एफआर में हमारे थर्टी मार्क्स के केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है उसका प्यारा प्यारा मीठा मीठा वीडियो आ गया सो वेलकम एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन एंड आई होप एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग सर 30 मार्क्स के केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आने वाले हैं ठीक है तो मैं आपको है ना एमसीक्यू के रिगार्डिंग सब कुछ गाइड करूंगा सारे केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज में एक ही वीडियो में सब कवर करूंगा एक साथ में ठीक है तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना पूरा अच्छे से कवर करवाऊंगा जितने टाइम में आप करोगे तो का, का, काफी कम टाइम में करवा दूंगा ठीक है उसके अलावा गाइडेंस भी दूंगा कि मुझे क्या लगता है जो फ्रेमिंग होगी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज की वो किस प्रकार होने वाली है किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए एमसीक्यूज वगैरह वाले पार्ट के लिए ठीक है सो आई होप दिस वीडियो विल बी श्योरली हेल्पफुल फॉर यू ये जो बुकलेट एमसीक्यू एमसीकू की मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर दी है मेरे टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां जाके आप ज्वाइन कर लेना वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको ठीक है उसके अलावा सब्सक्राइब के बिना अगर ये वीडियो देखा ना मुन्ना ना इतनी मेहनत कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए तो एक सब्सक्राइब फ्री का और एक लाइक फ्री का तो बनता है बॉस ठीक है चलो आ जाओ अब ना सबसे पहले अपन आईसीआई की जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है उसकी बात कर लेते हैं ठीक है वैसे मैं बता दूं ये जो बुकलेट है ये बुकलेट में ना मैंने आईसीआई के जो इंडिविजुअल एमसीक्यूज है वो भी इंक्लूड किए और जो केस सीनारो बेस्ड एमसीक्यूज है वो भी इंक्लूड कर रखे हैं ठीक है थीके? इस वीडियो में मैं जो डिस्कशन करूंगा वो केस सीनारो बेस्ड एमसीक्यूज का करूंगा वो जो स्मॉल स्मॉल इंडिविजुअल एमसीक्यूज है मैं उसको इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला बिकॉज वो बहुत सिंपल है मैनेजेबल है हा कुछ इंडिया में आपने पाया होगा कि एक आध शायद आ, आपको दिक्कत आई होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं फॉर इंडिविजुअल एमसीक्यूज जहां वो जहां डिफिकल्टी फेस करो वो मैं एड्रेस कर दूंगा बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट समय मिलेगा तो जरूर कराऊंगा लेकिन अपने को पता है एग्जाम में इंडिविजुअल एमसीक्यू जनरली वो नहीं पूछेंगे अपने वो केस स्टडी बेस्ड पूछेंगे मतलब एक बड़ी सी केस स्टडी होगी उस पर दो तीन चार पाँच छः एमसीक्यू मैक्सिमम हो सकता है एक सिंगल केस स्टडी के ऊपर ऐसा भी पॉसिबल है एक पैराग्राफिक केस स्टडी उसके ऊपर एक ही एमसीक्यू पूछा थोड़ी बड़ी केस स्टडी उस पर दो एमसीक्यू पूछा तो वो एक एमसीक्यू से लेकर छह एमसीक्यू तक पूछ सकते हैं बट जब वो एक एमसीक्यू पूछेगा ना तो वो केस स्टडी के ऊपर होगा एक छोटी सी केस स्टडी की चार पार लाइन की उसके ऊपर एमसीक्यू पूछ लेंगे वैसा तो इट कैन रेंज नंबर ऑफ एमसीक्यू कैन रेंज और हर एक एमसीक्यू का दो मार्क होगा मिनिमम ठीक है तो मतलब अगर थर्टी मार्क्स के एमसीक्यू से तो पंद्रह एमसीक्यू को आपको आने वाले हैं उस केस में ठीक है तो इसलिए मैं केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन प्रिपेर वगैरह कैसे करना उसकी थोड़ी बहुत गाइडेंस आपको ऑलरेडी वीडियो देखने के बाद पूरी पूरी मिल जाएगी और जो भी थोड़ा बहुत बच जाएगा वो मैं लास्ट में आपको गाइड जरूर कर दूँ

अब ये जो है केस नंबर नंबर वन ये ऑलरेडी एक सेम टू सेम नंबर के साथ सेम क्वेश्चन है अगर आप मेरी किताब की बात करोगे तो इलस्ट्रेशन नंबर इलेवन का एफआर क्वेश्चन बैंक का इलेस्ट्रेशन नंबर इलेवन का सेम टू सेम क्वेश्चन है जो अपन क्लास में सॉल्व भी करते हैं ठीक है थीके? तो अगर आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन ठीक है तो ये इलस्ट्रेशन नंबर इलेवन मैंने क्लास में हिल्डर बताया था आपको तो इन्होंने इस इसमें क्या किया था जब क्वेश्चन पूछा था मॉडल के अंदर तो उन्होंने तो पूछा था प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा पूरा अब यहाँ क्या किया उसके ब, उसके बदले में एमसी पूछे अब इन्होंने कितने एमसी पूछे दस बट इन्होंने वैसे बोला था कि एक केस स्टडी पे पर से क्यों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे नॉर्मली बट इन्होंने आज दस पुछे ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो जब आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको ऑलरेडी वहां कवर हो जाएगा ठीक है तो पहले उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना फिर एम कुछ देखोगे तो एकदम आराम से बन जाएंगे मैंने ओवरव्यू किया एक भी कुछ नया था नहीं उसके अंदर इज टू एवरी ठीक है सर तो ये अपना पहला वाला केस नारो बेस था टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अब जब आप सेकंड केस स्टडी पे आओगे तो दिस इज बेस्ड ऑन इंडेस ट्वेल्व

पहले देखो एमसीक्यू में क्या पूछा आपको रफ आइडिया मिलेगा कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है सबसे पहले क्या पूछा है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डिटरमाइन द टैक्स बेस ऑफ पीपी ठीक है टैक्स बेस पूछा है उसके अलावा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डिटरमाइन द डिफॉल टैक्स ऑन पीपी ठीक है दो चीज पूछे टैक्स बेस ऑफ पीपी डिफॉल्ट टैक्स ऑफ पीपी ठीक है उसके अलावा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट नंबर डिटरमाइन द टैक्स बेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट

ताकि मेरे को इजी हो जाएगा यस वन सेक ये रहा तो उन्होंने बोला कि हमने जब पीपी परचेस किया है तो पीपी परचेस किया सिक्सटीन लाख रुपीस में ठीक है ध्यान रखना ये वाली बात उसके अलावा क्या बोलता है बोलता है ही हैज डिडक्टेड फोर लैक सिक्सटीन थाउजेंड इन इट्स टैक्स रिटर्न्स

उजेंड तो ये दोनों की वजह से आपका पीपी -पी का कैरिंग अमाउंट गिर जाता है बराबर तो मैं देख लू इट इज फोर लैख सिक्सटीन एंड टू लैख सिक्स तो मैं बोलूंगा लेस फोर लैख सिक्सटीन थाउजेंड एंड लैख प्लस टू लैख सिक्स थाउजेंड बराबर तो अगर आप लेस करोगे तो आपको जवाब कितना आता है सिक्सटीन लैख माइनस फोर लैख सिक्सटीन माइनस टू लैख सिक्स विच विल गिव यू आई गेस नाइन लाख सेवेंटी एट थाउजेंड एफ एम नॉट रॉन्ग बराबर तो ये आपको वैल्यू आगे पीपीई की नाइन लाख सेवेंटी एट थाउजेंड अभी जो आपके बैलेंस शीट में वैल्यू दिख रही है उसको अपन बोलते हैं कैरिंग अमाउंट में इधर ही बना लू कॉलम कैरिंग अमाउंट का ठीक है फिर मैं बनाऊंगा कॉलम टैक्स बेस का टैक्स बेस मेरा कितना आ रहा है हीरो लोग मेरा टैक्स बेस आ रहा है

उेंड अब डिफर टैक्स का पहले अमाउंट बताओ एट द रेट थर्टी टू परसेंट थर्टी टू परसेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट थर्टी टू परसेंट है तो जरा निकाल लेते इंटू थर्टी टू परसेंट करूंगा तो मेरे को आंसर आएगा सेवन वन जीरो फोर जीरो अब अपनी बुद्धि लगा के बताना बताने की डीटीए की डी टी एल ये भी चूज कर लेना तो मैं देखो कि आपन कैसे सीखते हैं ये पीपीई है अमाउंट टू एलेवेट टैक्स बेस कम है हिंट क्या ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग कैरिंग अमाउंट टूवर्स टैक्स बेस क्या थी? हिंट ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग कैरिंग अमाउंट टूवर्स टैक्स बेस मेरे को पीपी -पी का कैरिंग अमाउंट गिराना पड़ेगा असट को गिराना पड़ेगा तो आप क्या क्रिएट करोगे वेरी गुड आंसर आप एक लाइबिलिटी क्रिएट करोगे तो करेक्ट आंसर शुड बी टी एल सेवन 1040 सर ये तो कितना मजेदार है अरे बड़ा सिंपल है कुछ नहीं है आप जो एमसीक्यू को लेकर डरते हो ना स्टडी बेस्ड कुछ नहीं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है आपने क्वेश्चन बैंक अच्छे से किया है तो ये आपसे सोल्व ही जाएगा आप देखना आप जब करोगे ना पूरा मेरे साथ आपको खुद ही समझ जाएगा ये चीज चलो आओ आगे बढ़े तो पॉइंट नंबर है मैंने दोनों एमसीक्यू भी आंसर कर दी आ जाओ पॉइंट नंबर बी बोलता है इन इलेवन ट जॉय इंकर्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ वन लैक एसेट एंड बिंग एमोटाइज ओवरफुलिस टैक्स पर्पज जॉय डिडक्टेड फुल डेवलपमेंट कॉस्ट इन लेवन टमेंट कॉस्ट इंकर किया था ना अकाउंट में तुमने कैपिटलाइज किया बचे सिक्सटी थाउजेंड रुपीज बट टैक्सेशन में जब इंकर किया तभी तुमने एंट्री पता है क्या मारी होगी आपने सीधा एक्सपेंस क्लेम कर लिया एक्सपेंस टू कैश बैंक की आपने डिरेक्ट डिरेक्ट एंट्री मार दी होगी मतलब टैक्स बेस में क्या कोई असेट क्रिएट हुआ, नहीं, कोई asset create हुआ ही नहीं तो टैक्स बेस का कितना रहेगा तो देखो यही पूछा विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट बोलता है कुछ नहीं है अच्छा फिर बोलता है डिफर टैक्स का अमाउंट बताओ अब येड़े के तरह डिफर टैक्स ये मत बोलना आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेकर कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है सिक्सटी थाउजेंड बराबर ओके सर टैक्स बेस कितना दिया हुआ है नील ओके okay. डिफरेंस कितना आएगा डिफरेंस आएगा सिक्सटी थाउजेंड रुपीज का अब आपको डिफर टैक्स बताना है अब आप बोलोगे डिफर टैक्स एट द रेट अगेन थर्टी टू परसेंट करना तो आप बोलोगे सिक्सटी थाउजेंड इंटू थर्टी टू परसेंट इज गिविंग मी नाइनटीन टू हंड्रेड अब डीटीए की डिटेल कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस कम है कैरिंग अमाउंट गिराना है और ये भी एक इनटैनजेबल असट है तो अट का कैरिंग अमाउंट गिराना है तो अगेन यू विल क्रिएट अ डी टी एल लाइबिलिटी तो ये आपका डीटीएल नाइनटीन टू हंड्रेड सी इज द करेक्ट आंसर आई फील बराबर ठीक है आगे बढ़ जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट नंबर सी डिटरमाइन द टैक्स बेस ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये बोलता है चलो तो अपना बी वाला पार्ट होगा सी वाले पार्ट पे आते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर रिक्वर्ड इन विद थर्टी फोर्टी विदर्टी दिस इन्वेस्टमेंट्स आर जो अकाउंट्स में करते हो वो टैक्सेशन में आप नहीं करोगे टैक्सेशन में जब आप इन्वेस्टमेंट को बेचोगे ना तो जो रियल गेन लॉस रहेगा वो अपन देखेंगे हम टैक्सेशन में कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं करते हैं ठीक है थीके? तो आपकी जो टैक्स बेस है वो कॉस्ट पे रह जाएगी अब कैरिंग अमाउंट देखो क्या है आपकी कैरिंग अमाउंट है ट्रेड इन्वेस्टमेंट की टू लैक एट और टैक्स बेस क्या रहेगी आपकी टैक्स बेस आपकी होगी विचव स्टेट दी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो इट विल तो मेरे से पहला <coughs> उसके बाद डिफर टैक्स पूछा है. तो कैरिंग अमाउंट कैरिंग अमाउंट वॉज टू लैक एट टू लैक एट बराबर टैक्स बेस कितना है टू लैख थर्टी और ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है ठीक तो है तो डिफरेंस कितने का आएगा डिफरेंस आएगा ट्वेंटी टू थाउजेंड का अब इस पर निकाल लेते हैं पहले तो टैक्स बे पूछा है तो ट्वेंटी टू थाउजेंड थर्टी टू परसेंट आएगा सेवन जीरो फोर जीरो अब इस केस में मेरे ख्याल से कैरिंग अमाउंट ज्यादा कम है टैक्स बेस ज्यादा कैरिंग अमाउंट इंक्रीज करना है और असेट का कैरिंग अमाउंट इंक्रीज करना है तो आपको डी टी ए असेट ही क्रिएट करना पड़ेगा तो मेरे ख्याल से डी टी ए विल बी सेवन जीरो फोर जीरो अब पूछता है डिटरमाइन द नेट डिफर टैक्स असेट लाइबिलिटी मेरे हिसाब से ये तीनों के अलावा और कोई डिफर टैक्स तो है नहीं तो आप देख लो पहले वाले में आपने डीटीएल क्रिएट किया 7 T1040 का सेकेंड वाले में आपने डीटीएल क्रिएट किया 19200 का एक काम करता हूँ मैं लेते हुए चलता हूँ तो डिटेल को नेगेटिव लेकर रखना नेगेटिव 71040 उसके अलावा नेगेटिव नाइनटीन टू हंड्रेड और उसके अलावा एक डी टी ए आया था सेवन जीरो फोर जीरो का तो प्लस सेवन जीरो फोर जीरो तो मेरे ख्याल ने तो डी टी एल आपका ज्यादा है तो डी टी एल नेट में एटी थ्री टू हंड्रेड आपका होना चाहिए विच इज ए ऑप्शन वाह तो देखो आपको ये रफ वर्क आप कर सकते हो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स कभी कभी अच्छा ऐसा भी होता कि तीन एमसीक्यू भले ये तीन के ऊपर एमसीक्यू है लेकिन ऐसे एडजस्टमेंट नंबर डी ई होता जिसपे कोई एमसीक्यू नहीं है लेकिन लास्ट टाइम से जब ऐसा पूछ लेना तो आपको सारे सॉल्व करने ही पड़ेंगे ऐसा ध्यान रखना वो बात ठीक है बट यहाँ तो इन लोग अच्छे लोग हैं आपको ज्यादा मेहनत नहीं करवाई इन्होंने एनी anyway, वेज तो एक बार चेक कर कि अपने सारे एम के आंसर तो अपना आंसर क्या है बी ए डी सी ए डी ए बराबर तो चेक कर लेते हैं बी ए डी सी ए डी ए मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर है अपने ठीक है तो इधर वर्किंग में मैंने दे रखी है बट यहां अपने को सारी वर्किंग समझ गई सबसे फटाफट से पहले मेरे को बताओ समझ आया क्या बोलो डी 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 करके डन डन करके बोलो फटाफट से सर किसको बोले अरे मुझे ही बोलो मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बातें सुन रहा हूं सुन रहे हो सर चलो सुन रहे हो आगे आ जाओ अब एक केस नायरो नंबर टू जो अगेन इंडेस्ट ट्वेल्व का ही है इसको भी कर ले फटाफट से आ जाओ सर मजा आ जाएगा जल्दी जल्दी कर लेते हैं सेकेंड देना बस यस yes, चल क्या बोलता है इसमें भी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे ना ना, ना पहले एमसीक्यू पढ़ो क्या बोलता है डिटरमाइन टैक्स ऑफ गवर्नमेंट है डिफर टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी फॉर प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट डिफर टैक्स ऑन लाइबिलिटी फॉर प्रोडक्ट ठीक है पॉइंट नंबर से डिटर्माइन डिफरेंस एक सेकंड ऊपर अगर आप देखोगे सीक्वेंस पहले टैक्स बेस पूछता था फिर डिफर टैक्स पूछता था फिर टैक्स बेस पूछता था फिर डिफर टैक्स पूछता था इस एमसीक्यू में आपको टैक्स बेस नहीं पूछा है डिफरेंस का अमाउंट पूछा है जब आप बोलते हो ना कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस को कंपेयर करके जो डिफरेंस निकालते हो उस डिफरेंस के अमाउंट को आपको यहां पूछा गया है ध्यान रखना मिस्टेक मत करना काफी बच्चे वो सीक्वेंस में रहेंगे तो टैक्स बेस आंसर करके आ जाएंगे गलत हो जाएगा भाई ठीक है देखते हैं अपन क्या रहेगा इसका आंसर आगे बढ़ते हैं और बोलता है विद रिपेक्ट टू पॉइंट डिटरमाइन द टैक्स ऑफ हेल्थ केयर बेनिफिट्स ठीक है कर लेंगे सर कुछ है नहीं ज्यादा खास तो अगेन अगे आपको एक्स्ट्रैक्ट वगैरह दे रखा है साइड का एस्ट्रक दे रखा है मोस्टली मोस्टलीटे लाइब्रेटी का तीन तीन एम्स पॉइंट है पढ़ लेते हैं गवर्मेंट ग्रांस नॉट टैक्सेबल जो ग्रांट आपको मिलता है उस पर कभी टैक्स लगेगा ही नहीं जिंदगी में कभी लगेगा नहीं तो ऐसे केस में आपके टैक्स बेस में आपका एंट्री मारोगे नो एंट्री होगी अब इसमें क्या बोला गवर्नमेंट ग्रांट्स रिसीव्ड इन फोर्टीन फिफ्टीन इज अपियर इन द बैलेंस शीट अब बैलेंस शीट में ग्रांट कितना दिख रहा है आपका

क्रिएट होएगा नहीं बिकॉज़ डिफरेंस अदर देन डिफरेंस है ध्यान रखने वाली बात का आई होप दिस इज क्लियर टू वन ठीक है तो वो कंफ्यूज मत होना उसके अंदर कि हम कौन सा वाला आंसर है मैं वापस रिपीट कर दूं अगर आपको नहीं समझ में आया तो टैक्स बेस मैं आपको ये एंट्री नहीं मारूंगा तो टैक्स बेस मिल ले या फिर हम टैक्स बेस को कैरिंग अमाउंट माने क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब आप बोलते हैं ना डिफरेंसेस अदर देन टेम्पररी तो हम ये कंक्लूजन लेते दैट कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स बेस ऐसा कंक्लूड कर देना तो इन्होंने ये कंक्लूजन नहीं लिया इन्होंने ये पहले वाला जो हमने डिस्कशन किया उसको तक उसको मद्देनजर रखा हुआ है ध्यान रखना ठीक है चलो <coughs> तो बोलते हैं टैक्स बेस बताओ तो बोलना नील अब बोलता है डिफर टैक्स बताओ लेकिन हमने अभी क्या डिस्कस किया कि भले टैक्स बेस नहीं है भले डिफरेंस फोर्टी थाउजेंड का आएगा बट ये डिफरेंस अदर देन टेम्पररी है तो क्या इस पर डिफर टैक्स क्रिएट होगा इस पर कोई भी डिफर टैक्स क्रिएट नहीं होगा डिफोर्ट इनकम गवर्नमेंट ग्रांट विल नॉट बी टैक्सेबल ये आपका आंसर होना चाहिए बराबर ठीक है तो अपन चेक कर ले सेकंड का आंसर डी होना चाहिए ये सेकंड का आंसर अपना डी आ जाता है आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन गाइस यस चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं अब आएगा नेक्स्ट पॉइंट तुमको एमसीक्यू को ये केस स्टडी को आंसर करने का अप्रोच समझाना पहले इसलिए एमसीक्यू पढ़ा करो ताकि अपने को अप्रोच मिल जाता है आगे इन मार्वल हैड मेड अ फर्दर प्रोविजन फॉर प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट ऑफ हमने इस साल में और प्रोविजन बनाया फाइव थाउजेंड का बट बैलेंस शीट में तो सारे फिगर्स एज ऑन डेट होती है ठीक है ध्यान रखना सच प्रोविजन फॉर प्रोडक्ट वारंटी आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल द क्लेम्स आर पेड एक सेकेंड जस्ट बिकॉज ये वर्ड है आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल इसका यह मतलब नहीं है कि डिफरेंस अदर देन टेम्परे हो गया आज नहीं डिडक्शन मिलेगा फ्यूचर में जब क्लेम भरोगे तब आप डिडक्शन ले सकते हो ड्यूरिंग द ईयर फोर्टीन फिफ्टीन वारंटी क्लेम्स वर पेड एंड सेटल्ड फॉर सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड अब मेरी बात ध्यान से सुनना जब भी वो ऐसा बोले ना कि आपको कॉस्ट का क्लेम मिलेगा जब आप पे आउट कर दोगे तो जब भी भी आप पे करोगे ना तब आप एंट्री का मारोगे सपोज आपने ये साल भरा फोर्टीन फिफ्टीन में कितना भरा सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड भरा तो आपकी पेमेंट की एंट्री क्या होती है एक्सपेंस वारंटी एक्सपेंस टू कैश बैंक ये आपकी एंट्री होती है बराबर मतलब अगर आप पे भी कर दोगे तो भी आपके बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है इंपैक्ट कहां आ गया इंपैक्ट कहां गया आपके पेनल पे इंपैक्ट गया बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट नहीं गया मतलब जब हम क्लेम नहीं पे कर रहे तो भी टैक्सेशन के बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं है जब आप क्लेम पे कर रहे हो तो भी टैक्सेशन के बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं है सपोज पे भी कर दिया तो भी आपने एंट्री का हमारे एक्सपेंस टू कैश बैंक तो कोई असर्ट क्रिएट हुआ क्या नहीं ये मत बोलना सर नहीं नहीं आपने एक्सपेंस की एंट्री तो मारे ना अरे हमको टैक्स बेस में देखना होता है बैलेंस शीट में कौन से वैल्यू पे है बैलेंस शीट में किसी वैल्यू पे है ही नहीं तो जब ऐसा कोई भी अमाउंट रहे ना जिसका आपको बेनिफिट पेमेंट पे मिलता है उसका है उसका टैक्स बेस हमेशा होता अगर ये नहीं याद रहा तो हमेशा एंट्री मार के देख लिया करो ठीक है अब वो क्या बोलते हैं इसके चक्कर में अपने को पूछता है कि सबसे पहले ये बताओ कि टैक्स बेस प्रोडक्ट वारंटी का कितना है तो आप बोलोगे नील क्योंकि आप अगर वारंटी का क्लेम दो ना दो टैक्सेशन के बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं आता है समझ रहे हो अब वो पूछता है डिफर टैक्स कितना होगा येड़े की तरह अदर देन री डिफरेंस मत बोलना बाबा इसमें आपको बेनिफिट मिलता है ना टैक्सेशन में कभी ना कभी तो डिफरेंस रिवर्स होएगा तो आपकी प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट की लाइबिलिटी कितनी है सिक्सटीन थाउजेंड की है बराबर तो कैरिंग अमाउंट है सिक्सटीन थाउजेंड ये लाइबिलिटी है प्रोडक्ट वारंटी का प्रोडक्ट वारंटी का लाइबिलिटी है ठीक है तो आपकी कैरिंग अमाउंट सिक्सटीन थाउजेंड है आपका टैक्स बेस कितना है हीरो लोग आपका टैक्स बेस है जीरो तो आपका डिफरेंस आएगा सिक्सटीन थाउजेंड का अब निकालते हैं अपन डिफर टैक्स इसमें भी रेट की है तो फाइव वन टू जीरो टैक्स बेस कम है अब ये अबिलिटी है मुझे कैरिंग अमाउंट रिड्यूस करना है लेकिन लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट रिड्यूस करना है वेन एवर यू वॉन्ट टू रिड्यूस अ लाइबिलिटी क्यों ऐसा क्यों रिड्यूस करना है हिंट क्या थी ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग कैरिंग अमाउंट टूअर्स टैक्स बेस तो जब आपको कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी रिड्यूस करना है तो आप एक असर क्रिएट करते हो

टैक्स बेस फॉर निल डिफरेंस का अमाउंट सेवेंटी थाउजेंड आएगा यहां आप गलती क्या करोगे क्योंकि आप टैक्स बेस और डिफर टैक्स वाले फ्लो में हो तो आप इसमें नील आंसर सिलेक्ट कर लोगे बट वो गलत है टैक्स बेस नहीं पूछा गया आपको डिफरेंस का अमाउंट पूछा गया तो बोलना सेवेंटी थाउजेंड क्लियर ठीक है और सिक्स एमसीक्यू में क्या पूछा है अब बताओ टैक्स का अमाउंट क्या रहेगा तो आप डिफरेंस के तो केंडा है लाइबिलिटी हैिटी वाला कैरिंग अमाउंट गिराना है तो आपको असेट क्रिएट करना पड़ेगा तो मेरे ख्याल से डी टी एज द करेक्ट आंसर तो फाइव और सिक्स एमसीक्यू का आंसर है ए और सी चेक कर लेकेंड केस स्टडी खत्म ठीक है खत्म 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 गो गो नंबर थ्री भी इंडिया की है मैं बताऊं ये केस स्टडी वन टू और थ्री ये तीनों है ना एक सिंगल इलस्ट्रेशन के ऊपर बेस है जो आपने क्लास में भी किया हुआ है मैं बताऊँ कौन सा है अगर आप आईसीएआई के मॉड्यूल की बात करोगे तो वो है इलेस्ट्रेशन वन ए वन बी वन सी है ना और अगर आप मेरे क्वेश्चन बैंक की बात करोगे तो इट इज इलेक्टर नंबर ट्वेंटी ए ट्वेंटी बी ट्वेंटी सी अगर आपने वो वाला क्वेश्चन किया हुआ है ना तो उससे आपकी ये स्टडी आराम से बन जाती है बट फिर भी क्योंकि यहां बाट के किया हुआ है एक्सैक्टली सेम नंबर नहीं है तो मैं सोल्व करवा रहा हूं आपको सिंपल ठीक है क्या बोलता है सुनो केस नो नंबर थ्री लाल लिमिटेड विशेष टू कैलकुलेट टैक्स बेस्ट ऑफ इज डिफर टैक्स ओके वगैरह दिया हुआ है ठीक है अगेन दो एडजस्टमेंट है अब यहाँ ज्यादा एमसीक्यू नहीं चार एमसीक्यू ही है पहला एमसीक्यू क्या है टैक्स बेस निकालो ट्रेड रिसीवेबल का सेकंड डिफर टैक्स निकालो ट्रेड रिसीवेबल का थर्ड एंड सीखो क्या टैक्स बेस निकालो इन्वेंट्री का और निकालो डिफर टैक्स इन्वेंट्रीस का बड़ा सिंपल है कुछ है नहीं इसके अंदर क्या बोलता है सुन लो अब इसमें बेसिकली अपन देखते हैं एडजस्टमेंट कौन से कौन से ठीक है अगर आप देखोगे ध्यान से तो असठ साइड वाले आइटम्स तो अपने को दिए हुए पहले एडजस्टमेंट है बैड डेट प्रोविजन को लेकर एक बात ध्यान रखना अगर आपके बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स है तो नॉर्मली ये नेट ऑफ प्रोविजन होता है नेट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स

बराबर मतलब आप टैक्सेशन में इसके ऊपर 30%, 30 तो एक साल में मिलेगा ट्वेंटी परसेंट का और अगले साल में फोर्टीन फिफ्टीन में आपको मिलेगा थर्टी परसेंट का मतलब टोटल आपने इस डेटर पे टैक्सेशन में टैक्सेशन में टैक्सेशन में कितना प्रोविजन मारा होगा तो टैक्सेशन में आपने प्रोविजन मारा होगा

आपका प्रोविजन कितना होगा फिफ्टी थाउजेंड नॉट दिस इम्पलाइज दैट जो अकाउंट्स में आप प्रोविजन हो वन लाख थर्टी का टैक्सेशन में प्रोविजन थर्टी का नहीं है टैक्सेशन में प्रोविजन से फिफ्टी थाउजेंड का है. तो अब पूछा क्या आपको आपको पूछा है टैक्स बेस क्या होगा ट्रेड रिसिवेबल का अब देख लो मैं कैसे करता हूं सबसे पहले आपका जो ट्रेड रिसीवेबल्स है उसका वैल्यू कितना दिया बैलेंस शीट में सिक्स लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड बटे तो अकाउंट्स की वैल्यू है ना इसमें पहले आप अकाउंट्स वाला बैड डेट प्रोविजन एडबैक करो अकाउंट्स वाला बैड डेट प्रोविजन एडबैक करो क्योंकि हमको अकाउंट्स वाला नहीं चाहिए ना तो अकाउंट्स वाला मैंने add back किया कितना मिला मेरे को? मेरे को को इसमें इसमें आएगा if not wrong. बराबर अब आप अब आप आप क्या करोगे से जो टैक्स वाला बैड प्रोविजन है वो लेस करोगे हमने अकाउंट्स वाला क्यों एडबैक किया क्योंकि ये trade receivable after provision है। तो पहले मैंने अकाउंट्स वाला एडबैक किया क्योंकि वो तो गलत है टैक्सेशन के हिसाब से और फिर हम टैक्स वाला प्रोविजन माइनस करेंगे तो फिफ्टी थाउजेंड आप करोगे आपका बेस बनेगा तो तो आपका बेस में यही पूछा है पहला बेस कितना है पहला तो कितना कितना अच्छा ध्यान रखना जब आप मैंने क्या बोला इसका रेफरेंसिंग है ना इलेन ट्वेंटी ए में तो यहाँ जिसने वो तीन किए ना उसमें आपने एक और सेक्टर किया था जहां देख रहे थे करंट टाइम में प्रोविजन कितना बना यहां क्योंकि हम सिर्फ बैलेंस शीट से डील कर रहे हैं तो हम टिल डेट के प्रोविजन देख रहे हैं हम ये नहीं देख रहे करंट ईयर में आपने कितना बनाया हम देख रहे टिल डेट आपने कितना बनाया वो वो कंफ्यूजन मत आने देना प्लीज ठीक है जब भी, भी आपको टैक्स बेस या डिफर टैक्स पूछे तो आप टिल डेट की चीजें देखना टिल डेट आपने इतना प्रोविजन क्रिएट किया होगा तो टिल डेट आपकी टैक्स बेस बचती है सेवन लैख्स थाउजेंड की ठीक है तो पहला एमसीक्यू यही था सेकंड एमसीक्यू क्या है डिफर टैक्स बताओ ट्रेड रिसीवेबल का तो कैरिंग अमाउंट कितनी है कैरिंग अमाउंट आपकी सिक्स लैख्स ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड है टैक्स बेस कितना आपका टैक्स बेस है सेवन लैस थाउजेंड बराबर डिफरेंस कितना है डिफरेंस माइनस सेवन लैक्स का इस पर भी रेट थर्टी टू परसेंट की है तो 25, 600, अब क्या बनेगा ये क्योंकि है हिंट क्या थी ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग कैरिंग अमाउंट टूवर्ड्स टैक्स बेस तो मेरा कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स बेस ज्यादा है मुझे कैरिंग अमाउंट इंक्रीज करना है अब मुझे ट्रेड रिसीवेबल असट का कैरिंग अमाउंट इंक्रीज करना है तो मुझे अट क्रिएट करना पड़ेगा तो डीटी डी रहेगा ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड का लेट्स है क्या ये yes, ऑप्शन तो है सर क्लियर अच्छा अब ये प्लीज़ ये ये जो नोट साइड में लिख रहा हूं मैं शॉर्टकट में ये भी आप खुद लिखना ऐसा नहीं कि इसका भी प्रिंट लेके बैठ गए वो खुद कुछ कर ही नहीं रहे वर्किंग तो एटलीस्ट खुद कर लेना भाई मालूम पड़ा पब्लिक बोल रही सर ये ये जो आपने वर्किंग है इसका भी अपलोड कर देना टेलीग्राम पे अरे मैं कर तो दूंगा लेकिन तुमको भी लिखना पड़ेगा थोड़ा सा तो लिखो खुद ठीक है चलो एमसीक्यू की फाइल वैसे है टेलीग्राम पर टेंशन मत लो आगे अब एडजस्टमेंट नंबर टू ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है बैड डेट्स वाले प्रोविजन में नॉर्मली सब फंसते हैं ठीक है तो ये अच्छा एडजस्टमेंट है आगे लाल

ज ए जनरल प्रोविजन नॉ डिडक्टेबल का ये मतलब नहीं है कि है. का आपको, आप आपको, तो मतलब तो आपको एडबैक तो आप करना पड़ेगा तो एटीन थाउजेंड की टोटल प्रोविजन थी अगर आप एडबैक करोगे आपको आएगा वन नाइन एट फोर हंड्रेड एफ एम नोट अच्छा मैंने गलत अमाउंट लिया एक सेकंड ओ हो 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 इवेंट्री के अमाउंट मेरे हीरो लोग सारा भांग पी के बैठोगे इन्वेंट्री का अमाउंट थ्री लाख फोर थाउजेंड है ओके सॉरी तो इन्वेंट्री का अमाउंट इज थ्री लाख फोर थाउजेंड तो थ्री लाख फोर थाउजेंड तो में जब आप एटीन थाउजेंड एड बैक करोगे तो आपको मिलेगा थ्री लाख ट्वेंटी टू थाउजेंड मैं भी बोलूँ चलो ऑप्शन ही नहीं है उसके अंदर तो है ठीक है चलो हाँ तो ये इन्वेंट्री इधर है ऐसा लाइन मार के देख लिया करो भाई मेरे ऐसे गलती मत कर देना एग्जाम में मजा आ जाएगा वरना तुमको फिर ठीक है तो थ्री लाख ट्वेंटी टू इज द आंसर यस अब पूछा डिफर टैक्स बताओ तो सिंपल है ना कैरिंग अमाउंट इज़ थ्री लैख फोर थाउजेंड बराबर टैक्स बेसिस थ्री लैख ट्वेंटी टू थाउजेंड डिफरेंस आएगा एन थाउजेंड का अब इस टैक्स कितना बनेगा? तो into 32 आएगा 5, 7, 6, अब detail की डिटेल तो फाइव है बट फिर भी देख लो ये इन्वेंट्री है इन्वेंट्री असेट की तरह होता है तो कैरिंग अमाउंट कम है टैक्सपे ज्यादा आपको इन्वेंट्री को इंक्रीज करना पड़ेगा कैरिंग अमाउंट टूवर्स टैक्स बेस कैरिंग टैक्स बेस लेकर जाने के लिए क्लियर यस तो मजा आ गया सर तो एक बार चेक कर कि अपने सारे आंसर अपना आंसर था डी सी बी ए डी सी बी ए डी सी बी और ए मजा आ गया सर मजा आ गया ठीक है तो अगर मैं आपको बताऊं टोटल केस स्टडी इंडेस ट्वेल्व पे थी तीन आपने तीनों सॉल्व कर लिए ठीक है चलो तो इस तरीके से अपने टोटल चार केस स्टडी हो गई एक इंडियस सेवन वाली थी कैशलो तो कॉमन थी वो अपन ने की नहीं और इंडेस ट्वेल्व की तीन थी तो वो तीनों अपन ने कर लिया ठीक है अब और क्या बाकी एक सेकंड मेरे को जरा देखने दो ये इंडेस वाली हो गई अब ये है हाँ एक केस नारी इंडेक्स वन वन फाइव को लेकर या आप अगर इंडेक्स वन वन फाइव चैप्टर खोलोगे तो वहां आपको एक केस स्टडी मिल जाएगी ठीक है चलो अच्छा अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना तो इन लोग केस स्टडी किससे बना रहे हैं जो तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी क्वेश्चन है उसी को तोड़ मड़ोड़ के मोल्ड करके क्वेश्चन बना रहे हैं इन लोग आपके लिए तुम समझ रहे हो मेरी बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि केस स्टडी आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि एक्जैक्टली सेम टू सेम पूछ लेंगे बराबर तो कहां से पूछेंगे जो आपके क्वेश्चन बैंक है वहां से तोड़ मरोड़ के कंसेप्ट उठाएंगे बट अगर वो ढंग से की हुई हुए कंसेप्ट ढंग से की हुए तो आराम से बन जाएगा कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है ठीक है चलो आगे बढ़ जाओ बट फिर भी जितनी ने दी उतनी हमेशा प्रैक्टिस करके जानी चाहिए कभी कभी किस्मत अच्छी हुई एक भी रिपीट हो गया तो आपके लिए मजा आ जाएगा ठीक है बट रिपीट होने की एक्सपेक्टेशन मैं तो रखता नहीं बट मैं मानता कि अगर मेरे से ये सॉल्व हो रही है तो वो जो आएगी वो भी मेरे से सॉल्व हो जाएगी ठीक है चलो आ जाओ अब इसमें सबसे पहले एक सि, छोटा सा पैराग्राफ है इस पर कितने एमसीक्यूज है भाई साहब एमसी एमसीक्यू है वाह मैं तो बोलता हूं यही पूछो सौ माक का पूछो हा वाह चलो ठीक है क्या क्या पूछा देखो पहले बोलते हैं कंसेडरेशन रिसीव फ्रॉम द कस्टमर इज डेट डैक टैक कुछ तो चार चीज पूछिए अपॉन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टेन थाउजेंड मोल्स रिकोगनाइज रेवेन्यू कितना करोगे रेवेन्यू का फिर अमाउंट पूछा है उसके अलावा रिफंड लाइबिलिटी का अमाउंट पूछा है रिटर्न असेट का अमाउंट पूछा है और एंट्री वगैरह पूछिए ठीक है अब देखते क्या है वन वन फाइव में एक कंसेप्ट है सेल विथ अ राइट टू रिटर्न विथ अ राइट टू रिटर्न ठीक है ये उस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है ओके okay, चलो क्या बोलता है देखते ए लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मोल्ड्स डाइज एंड मशीनरी दे हैव अ वाइड कस्टमर बेस इंडिया एंड अब्रॉड टिपिकली अ कॉन्ट्रैक्ट इज एटेड इंटू फॉर सेल फॉर ईच प्रोडक्ट कंसड्रेशन इज रिस ऑन द इवेंट ऑफ डिलीवरी द कॉस्ट इज फोर हंड्रेड सेलिंग प्राइस इज फोर फिफ्टी ध्यान रखना मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है मेरी सेलिंग प्राइस है फोर फिफ्टी आगे बचाते टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द कस्टमर टू रिटर्न एनी अनसोल्ड मोल्ड विद इन थर्टी डेज ओके विद अ फुल रिफंड तो अगर आपको तीस दिन में पसंद नहीं आई

तो हम जो रेवेन्यू है वो सिर्फ इतने पे ही बुक करेंगे ये जो 300 है इसका रेवेन्यू अगर हमको बुक करना भी है तो 30 डेज के बाद बुक करेंगे बट कस्टमर हमको जो पैसा देगा वो पूरे 10,000 पे देगा तो हम पूरा पैसा रिसीव तो करेंगे इतने पे रेवेन्यू बुक करेंगे और इसने इतने के ऊपर हम रिफंड बुक करेंगे बराबर तो अगर मुझे एक एंट्री मार के समझाना हुआ आपको तो आप ऐसा कुछ एंट्री मारोगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट ठीक है मतलब अगर पैसा आ गया तो कैश बैंक नहीं आया तो ट्रेड रिसीवेबल जो भी है

और आप बुक करोगे रिफंड वो आपका रहेगा के हिसाब से विल बी बराबर अच्छा आप फर्स्ट डे पे एक और एंट्री हो आपको पता है क्या क्योंकि तो आप आपको तो आपको पैसा रिटर्न देना पड़ेगा बराबर लेकिन जब आप पैसा रिटर्न दोगे यू ऑल्सो राइट टू रिकवर दी असेट सोल्ड जो आपने माल बेचा है मोल्ड्स वो मोल्ड भी कस्टमर आपको रिटर्न करेगा तब आप पैसा दोगे ना तो आप मोल्ड्स का एक राइट टू रिसीव रिकॉर्ड करते हो राइट टू रिसीव टू सी करके ठीक है अब ऑफकोर्स मैं जूम करता हूँ कि आपने चैप्टर पढ़ रखा है ओके तो कितना आएगा जितना भी रिटर्न आने वाला है थ्री हंड्रेड बट इसको राइट टू रिसीव को आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो कॉस्ट दिया हुआ है फोर हंड्रेड तो फोर हंड्रेड पर रिकॉर्ड करना तो कितना आएगा ठीक है ध्यान रखना अब देखते क्या पूछा सबसे पहला वेरी गुड एम सी आई फीलिडरेशन रिसीव फ्राम द कस्टमर इज वेरिएज नो कंसिड्रेशन बात ध्यान से सुनना जब भी राइट टू रिटर्न वाला केस होगा ना तो मैं बोलू पैसा रिटर्नेबल होता है अभी तो आपनेक्टेशन तो लगाया कि तीन परसेंट ही वो रिटर्न आएगा बट ऐसा भी पॉसिबल है कस्टमर आपको सबका सब रिटर्न करते हैं तो जब भी रिटर्नेबल होता है ना पैसा ऑन एट कस्टमर डिस्कशन विद इन थर्टी डेज तो आप कंसिडरेशन हमेशा वेरिएबल कहना इन शॉर्ट वेन एवर दर इज अ केस ऑफ सेल विद राइट टू रिटर्न है ना तो कंसेड्रेशन इज ऑलवेज वेरिएबल आप देखोगे तो इनका एक्सप्लेनेशन वैसा ही है सिंस द द द अलाउज कस्टमर टू रिटर्न प्रोडक्ट्स द देश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर इज वेरिएबल ये ध्यान वेरियबल तो दिस इज अ गुड एमसीक्यू यू कैन मार्क दिस एज अ क्लासिक एमसीक्यू ओके लेट्स प्रोसीड फर्दर अपॉन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ टेन थाउजेंड मोड्ड एंटीटी विल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर हाउ मेनी मोल्ड्स मैंने क्या बोला था रेवेन्यू आप सिर्फ नाइनटी सेवन हंड्रेड मोल्स पर रिकॉर्ड करोगे तो नाइन सेवन हंड्रेड मोड्स

तो इसमें कौन सी एंट्री है सबसे पहले ये ट्रेड रिसीवेबल टू रेवेन्यू फिर रिटर्न असेट टू रेवेन्यू ये भी गलत है ये भी गलत है अ, ट्रेड रिसीवेबल टू रिटर्न असेट ये भी गलत है ट्रेड रिसीवेबल दैट इज कस्टमर टू रेवेन्यू टू रिफंड रिफंडिटी ये आपकी एंट्री सही है है ना मैंने बोला था ना या तो कैश बैंक या फिर ट्रेड रिसीवेबल जो भी हो ये आपकी एंट्री सही है ऑफ कोर्स इसमें एक और एंट्री आनी चाहिए ना ये वाली इन्होंने वो सेकंड एंट्री नहीं मारी बट ठीक है जितना दिया है उसमें क्लोजेस्ट ऑप्शन ये वाला आपका तो ये करेक्ट आंसर है क्लियर तो इसमें डी तो चेक कर ले एक बार पहले का तो ए था ए सी बी सी डी डी ए सी बी सी डी डी मेरे ख्याल से करेक्ट मजा आ गया सर है ना चलो आगे बढ़े आगे बढ़ो सर तो ये वन वन फाइव में एक केस स्टडी थी वो ने सॉल्व कर ली बड़ी सिंपल सी स्टडी थी ठीक है सेम कंसेप्ट ऑलरेडी एक्जिस्ट करता है तो अगर आप देखोगे तो भले ही इन्होंने नंबर्स वगैरह चेंज किए कंसेप्ट बाहर से आ गया कंसेप्ट तो, तो किताब का था वही है ना यार यस सर आप सबका टारगेट होना चाहिए थर्टी में से मिनिमम आप मैं ये नहीं बोलूंगा देखो प्रेशर बिल्ड करने के लिए थर्टी में थर्टी स्कोर करो बट चलो थर्टी में से आपको एटलीस्ट ट्वेंटी फोर के ऊपर स्कोर करना है देखो दो तीन एमसीक्यू हो सकते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स वो दो तीन के लिए आप कभी प्रिपेयर भी नहीं कर सकते बट एटलीस्ट जो मैनेजेबल है जो अपने कंट्रोल में उसमें आप हमेशा स्कोर करने का ट्राई करना मजा आ जाएगा तुम लोग को वाह सर सुन के कितना अच्छा लग रहा है ठीक है आगे बढ़ जाते हैं अब आएंगे अपन ये सी वाले कैटेगरी में सी मतलब वन वन और ट्रिपल वन

इसका मतलब सेलिंग प्राइस के मान लिखो वन लाख तो आपको मिलेगा हमको क्या निकालना होता है बेसिकली जब हम अनिलेड प्रॉफिट निकालते हैं तो जितनी इन्वेंट्री बची है ना सिर्फ उसी पे निकालते हैं अनरिलेड प्रॉफिट तो हमारी ग्रुप के अंदर से वन लाख वर्थ की इन्वेंट्री बची है तो उसी पे आपको प्रॉफिट मार्जिन निकालना पड़ेगा मारो ना क्रॉस मल्टीप्लाई कि जब थ्री पॉइंट फाइव लैख की सेल पे आप फिफ्टी थाउजेंड का मार्जिन कमाते हो तो वन लाख की सेल पे कितने का मार्जिन होगा तो वन लाख क्रॉस मल्टीप्लाई ना क्रॉस मल्टीप्लाई वन लाख इंटू फिफ्टी डिवाइड बाई थ्री लैख फिफ्टी तो आपको आंसर आएगा फोर्टीन 285 का लेकिन आपको पता है इक्विटी मेथड में जब अपन एसोसिएट करते हैं जो भी करोगे सिर्फ अपने शेयर से मल्टीप्लाई करना मत भूलना जैसे यहां पूरा यूआरपी माइनस नहीं होएगा। इसमें से स्टेक कितना है अपना 35% तो इनटू 35% करना मत भूलना दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर यूआरपी 5000 करके देखो आएगा तुमको तुमको समझ आया ये वाला पार्ट सर यस सर अब देख लेते चलो आगे तो ये अपना पार्ट हो गया फिर एम डिक्लेर डिविडेंड ऑफ सेवेंटी फाइव लैक्स सेवेंटी फाइव में से जितना अपना प्रोपोर्शन है उतना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाएगा उसके अलावा इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एम शोड अ प्रॉफिट ऑफ वन पॉइंट फाइव सी तो इसमें अपना प्रॉफिट में अपन अपना हिस्सा रिकॉर्ड कर लेंगे अब क्या बोलते हैं वॉट इज द शेयर ऑफ ऑल लिमिटेड इन पोस्ट एक्वेशन प्रॉफिट ऑफ एम तो प्रॉफिट कितना कम है वन पॉइंट फाइव लैक्स इसका थर्टी फाइव परसेंट आपका होगा तो वन लाइक वन फीन टू थर्टी फाइव परसेंट आप करोगे तो फिफ्टी टू पॉइंट फाइव लैक्स बी इज द आंसर आगे वट इज द अनरिलाइज गेन ऑन इन्वेंट्री बराबर तो अपने कितना आता

माइनस फाइव थाउजेंड माइनस ट्वेंटी इट कम्स टू थ्री करोड़ ट्वेंटी थाउजेंड थ्री करोड़ ट्वेंटी ईयर डी वाला आंसर थ्री करोड़ ट्वेंटी थाउजेंड मेरे को ये आंसर आ रहा है ठीक है चलो आगे वॉट इज अप्रोक्सीमेट ग्रॉस मार्जिन ऑन गुड्स सोल्ड देखो जब ग्रॉस मार्जिन निकालने बोलो ऑन गुड सोल्ड ग्रॉस मार्जिन हमेशा सेल्स पे निकलता है तो आपने मार्जिन कमाया था फिफ्टी थाउजेंड का सेल्स कितनी थी थ्री पॉइंट फाइव लाख की तो आप बोलोगे फिफ्टी डिवाइड बाय थ्री पॉइंट फाइव लैक्स इंटू हंड्रेड तो आपको मार्जिन आएगा तो फिफ्टी डिवाइड बाय थ्री लैक्स फिफ्टी इंटू हंड्रेड विच इज इक्वल टू फोर्टीन पॉइंट टू नाइन परसेंट खत्म कहा तो क्या हो गया आपका बी ए सी डी ए बी ए सी डी ए हो गया मजा आ गया सर तो ये मोस्टली इंडेक्स ट्वेंटी एट के ऊपर था ठीक है चलो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एक आपके इंडस्ट्वेंट में ऑलरेडी है ठीक है ध्यान रखना वो शायद एम टी पी वाले सेक्शन में है है ना उसमें उस अगर आपको नहीं आता तो मैंने करवाया भी था क्लास में उसमें आईसीआई ने यूआरपी का अमाउंट गलत निकाला था यहाँ वो सही कर दिया है जब आप खोलोगे आपको देखेगा मेरे ख्याल से एम टीपीआरटी का क्वेश्चन नंबर वन है मेरी क्वेश्चन बैंक होती है आपको पता है ना उसमें एक सेक्शन है एमटीपीआरटीपी का हर चैप्टर के बाद तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर वन है उसमें यूआरपी का अमाउंट आईसीआ ने गलत निकाला था वो यहाँ सही कर दिया इन्होंने यहाँ सही कर दिया इन्होंने तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं अब इसका सी एफ वाले में केस नंबर टू है एग्जैक्टली exactly सेम है ऑलरेडी देर इन द क्वेश्चन बैंक ये मेरे को इलेट्रेशन नंबर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल बट ऑलरेडी अपन ने किया हुआ क्लास के अंदर ठीक है जिसमें आपको मैं याद दिला दिलात जिसमें ऐसा कुछ होता था जहां कंपनी का एक्वायर किया है अपन ने उसमें कैश कंसिडरेशन दिया है शेयर दिया है और डेफॉर्ट कंसिडरेशन दिया है है ना बट इसमें इन्होंने ना वो शेयर और डिफॉर्ट का इफेक्ट लेना वो भूल गए हैं जब आप करोगे आपको समझ जाएगा तो मैं लिखता हूँ सेम क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम नंबर भी सेम है

115 के ऊपर एक केस स्टडी था उसके अलावा सीएफ है जो 11028 111 मिलाके उसमें दो केस स्टडी थे तो हो गया चार, 5 छः, सात, सात हो गए बराबर अब तीन ऐसे केस स्टडी है जो मल्टीपल इंडेस इन्वॉल्व करते हैं ठीक है केस सिनेरियो नंबर वन। मैं बता दूं ये सेम टू सेम केस सिनेरियो आपके एमटीपी मई 24 के अंदर भी है ठीक है तो ऐसे मल्टीपल इंडेस वाले टोटल तो तीन केस सिनेरियो इधर है वो तीनों के तीनों एमटीपी में है ठीक है ध्यान रखना

क्वेश्चन नंबर थ्री वट विप्रीसिएशन चार्ज ऑन इक्विपमेंट फॉर ईयर थ्री टू टेन ठीक है पॉइंट नंबर फोर टैक्स बेस ऑफ पूछ लिया मतलब ट्वेल्व के ऊपर है और उसके अलावा इसके अंदर आगे देखते अभी क्या बोलते हैं अब पढ़ लेते लिमिटेड इज डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप ऑपरेटिंग इन मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इट्स अकाउंट्स

इस साल हो गया वन वन फाइव मतलब कितना ऐड हुआ इसमें पंद्रह ऐड हुआ रहेगा अब टोटल दिया हुआ है फिर एक टोटल में मिस्टेक है इसका टोटल आना चाहिए थ्री फिफ्टी फाइव होना चाहिए ओके अब एक बात ध्यान देना आप, आपका जो अर्निंग्स है आपने प्रॉफिट कितना कमाया करंट ईयर में ट्वेंटी फाइव का प्रॉफिट कमाया जितना आप प्रोफिट कमाते हो उतना आपका रिटर्न बढ़ता है प्रॉफिट कमाया ट्वेंटी फाइव का रिटर्न बढ़ा सी पंद्रह का बीच का दस कहां गया शायद बीच वाला जो टेन रुपीज है

बराबर आपको देखना इसमें मैं क्या-क्या इंक्लूड करूंगा सबसे पहले 40 लाख का जो आपने खर्चा किया है फर्स्ट जुलाई को किया है तो वो सेकंड क्वार्टर में बैठ गया तो एक तो एडवर्टाइजमेंट आना चाहिए 40 लाख का तो इसमें ए और डी बचते हैं अब उसके अलावा और क्या है आपको स्टाफ बोनस बोला है पूरे साल का होगा 400 है ना ऑफ दैट तो जब वो खुद ही बोल बोलना पूरे साल का फोर हंड्रेड तो पर क्वार्टर हंड्रेड होना चाहिए ना कुछ नहीं बोलते तो आप ये तो समझ में आता जब डिरेक्टली बोला हुआ है उस क्वार्टर का सिक्सटी है तो सिक्सटी मानना मतलब उस क्वार्टर में आप एडवर्टीजमेंट बुक करोगे फोर्टी का और आपको स्टाफ बुक स्टाफ बोनस का एक्सपेंस बुक करना चाहिए

हजार तेरह के बाद आपने रिवैल्यू किया तो उसके बाद जो अगले साल आएगा 13, 14, तब से आपका डिप्रेशन विल बी वन लैक फोर क्वेश्चन है यार ये। तो कितना रहेगा 13, तो चेक दिस। तो मेरे ख्याल से टेन टेन थर्टीन अच्छा थर्टीन का दो ऑप्शन से एनुअल डिप्रेशन बी थर्टीन एंड एन एनुअल ट्रांसफर ऑफ थ्री थाउजेंड में बी मेड फ्रॉम रिवैल सरप्लस टू अर्निंग्स

री सरप्लस से रिटर्न में ट्रांसफर कर सकते हो आप हर बार ये नहीं करोगे बट ऑप्शन तो है आपके पास तो इसलिए वर्ड क्या यूज किया मे बी मेड फ्रॉम रीव सरप्लस टू रिटर्न तो दिस ऑप्शन सीम्स टू तो बी बी करेक्ट क्योंकि आपका विल थाउजेंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स और आप चाहो तो एक्सेस थ्री थाउजेंड जो है वो चाहो तो सरप्लस से निकाल कर रिटर्न अर्निंग्स में ट्रांसफर कर सकते हो बराबर ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है नॉट परमिटेड ऐसा बोलोगे तो गलत हो जाएगा फिर ठीक है तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर क्लियर चेक कर ले 3 का ये 3 का सी सी ये आंसर होना चाहिए आगे बढ़ जाते हैं

तो कितना रहेगा निल रहेगा सिंपल अब इसमें ना ज्ञान भी दिया हुआ है कि इंपेयरमेंट लॉस वगैरह इतना था अरे बाबा ये सब तब काम आएगा जब कैरिंग अमाउंट पूछता टैक्स बेस पूछता फिर डिफरेंस पूछता वो पूछा ही नहीं तुमको तो कहे दिमाग लगा रहे हो टैक्स बेस ही पूछा है सिर्फ ठीक है ध्यान रखना चलो क्या मैं आगे बढ़ू आगे बढ़ू सर द कंपनी हैज इशूड प्रेफरेंस शेयर दट आर रिडीमेबल एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर ठीक है थ्री मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द ईयर इट इज इट वॉज प्रोबेबल दैट होल्डर्स वुड रिक्वायर एडमशन जब प्रेफरेंस आप इशू करते हो रिडीमेबल

बट फिर भी बाकी तीन आते हो तो बाकी तीन के एमसीयू का बना सकते हो तो दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू है ना चलो आगे बढ़ जाते हैं केस नंबर भी आपकी एमटीपी में है ठीक है ध्यान रखना बड़े आगे क्या बोलते हैं सुन लो सबसे पहले बढ़ने के पहले देख लो एमसीक्यू में क्या तुम्हारे विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट ऑपरेशन इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग प्रोडक्ट्स मेटल्स हाउ मच लाइबिलिटी शुड बी डिस्कलोज ओके

सबसे पहले विद विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट ऑपरेशन को लेकर है देखते क्या बोलता है यू इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग एंड मेनी अदर इंडस्ट्रीज एंड प्रिपेयर्स हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉलोइंग इंडेस एंड फॉलोज अप्रैल मार्च एज दर फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग द ईयर 1213 द कंपनी हैज फेस्ड सम इश्यूज पहला यू लिमिटेड एन एफ लिमिटेड पार्टनर्स ऑफ ए जॉइंट ऑपरेशन वो थोड़े थोड़े ना कभी कभी वो आपको स्पेलिंग मिस्टेक दिखेगी उसके लिए माफ कर देना है पहले एडिशन है तो छोटी मोटी वो ही रहेगी क्लैरिकल एरर्स ध्यान रखना ठीक है एंगेज इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग प्रेशियस मेटल्स द एंटिटी यूज अ जॉइंटली ओन्ड ड्रिलिंग प्लांट इन इट्स ऑपरेशन ड्यूरिंग द यर थर्टी फर्स्ट मार्च इन इंस्पेक्शन वॉज कंडक्टेड बाई द गवर्मेंट अथॉरिटीज इन द माइनिंग फील्ड्स इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन अथॉरिटीज कंक्लूड दट एडी मैच वॉ फोड एज अ कॉन्सिक्वेंस दे फाइल्ड पेनल्टी ऑफ फिफ्टी करोड तो पचास करोड़ की पेनल्टी आप लग गई ओके okay. द लीगल काउंसिल ऑफ द कंपनी एस एस दट द डिमांड एंड ओपाइंड दैट अपील दैट मे नॉट भी यूजफुल मतलब भाई तुम जो अपील वगैरह कर भी लोगे इसका कैसे कोई काम की नहीं है, क्योंकि तुमको देना ही पड़ेगा इसका मतलब ये आपके लिए प्रेजेंट ऑब्लीकेशन है और जब भी कोई चीज प्रेजेंट ऑब्लीकेशन होती है और पक्का पक्का देना है तो आप लाइबिलिटी बना दो उसकी या प्रोविजन बना दो उसका आप देखते हैं अपने इन्होंने क्या वर्ड यूज किया हुआ है ठीक है आगे देखते अगर सर्टन है टाइमिंग और अमाउंट दोनों सर्टन है तो लाइबिलिटी अगर दोनों में से एक भी अनसर्टन है जैसे पता है अमाउंट है फिफ्टी लेकिन टाइमिंग कब भरना है वो नहीं पता तो प्रोविजन बनेगा उसके आउट ऑफ फिफ्टी करोड़ रिएमेंट वॉज नॉट रिसीव तो रियम्बेस्टमेंट तो मिला नहीं ठीक है तो रियम्बेस्टमेंट नहीं मिला तो मैक्स टू मैक्स आपको दिखा सकते मैक्स टू वर्चुअली सर्टन रहेगा तो मतलब आपको पता है कि इट इज मोर प्रॉबेबल देन नॉट तो आप

50, वो भी गलत क्योंकि है पे करना ऑब्लिगेशन तो फिफ्टी का पूरा प्रोविजन बनना चाहिए प्रोविजन प्रोविजन ये भी गलत है सीआर मेरे ख्याल बनेगा और वो जो री है इसका थर्टी का ये थर्टी का आप बुक करते तो भी कंटीजेंट असेट बुक करते हैं क्योंकि है फिलहाल के लिए तो बट आपको पता है ना वेन एवर अमाउंट इज रिसीवेबल एंड इट इज

तो आपको हाफ ईयरली पेमेंट करना था ना सिक्स मंथली हाफ ईयरली तो कितने पेमेंट करने तो टोटल तो अगर आप देखोगे तो आपको तीन साल में छे हाफ ईयरली आएंगे तो छे पेमेंट्स करने हैं छ में से आपको एक उसने माफ कर दिया है ठीक है फर्स्ट वाला इज माफ तो कितने पेमेंट करोगे आप पांच पेमेंट करोगे पांच इंटू टू लैख टेन थाउजेंड बटे टोटल पेमेंट कितना आएगा टोटल पेमेंट जो भी आएगा बट अपन तो जब अगर लेसी के बुक में पूछा है तो अपन क्या बुक करते हो आर ओ यू टू लीज लाइबरेटी बुक करते हैं एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट जो भी है ठीक है फर्स्ट पेमेंट फॉलोइंग डी ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च थर्टीन अब पूछा गया देखना कैलकुलेट द मशीन फ्रॉम डी कैलकुलेट द सबसे पहले ठीक तो है? तो किसके बुक्स में पूछ रहे तो लाइबिलिटी तो ये किसके बुक्स में पूछेगा लाइबिलिटी पूछना चाहे तो ये सिर्फ और सिर्फ यू के बुक्स में पूछेगा क्योंकि डी के लिए तो ये रिसीवेबल होगा ना असेट होगा ये ठीक है? तो यू के बुक्स में पूछा है. यू तो लेसी था आपको एक बात बताओ ये पूरा एमसी गलत है जहां से भी छापे ये पूछना होता current liability, तो लीज लाइब्रेटी का आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए जो कि आपके पास अवेलेबल ही नहीं है अब जब आप इसका आंसर देखोगे ना इन्होंने पता है कैसे आंसर किया है टू वाले का आंसर देखना इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल्स ऑफ द मशीन ऑफ Operating lease? मुझे एक बात बताओ है ना एज द रिस्क एंड रिवॉर्ड रिमेन विद डी ओके अब ये ऑपरेटिंग फाइनेंस की बात तो के में आती है ना लेसर है वो, ले के लिए तो हम ऑपरेटिंग फाइनेंस कभी खेलते ही नहीं है ना लेसी तो एक ही चीज बोलता है आर यू टू लीज लाइबिलिटी अब आप बोल आप ये बोल सकते हो शायद, शायद के में पूछा होगा अगर डी के बुक्स में पूछता तो उनको वर्ड यूज करना चाहिए था. करंट असेट बताओ इन द बुक्स ऑफ डी बराबर तो ये एमसीक्यू ही गलत है इसको मत पढ़ना ये पूरा राम कथा आपने क्यों पढ़ा सकता कि बता सको गलत है तुम समझे क्या अगर मेरे को इसको ठीक भी करना हुआ ये मुझे ठीक भी करना हुआ तो कैसे ठीक कर सकता इन द बुक्स ऑफ डी अब आप कह सकते हो हाँ डी तो लेसौर है लेसोर के लिए इट कैन बी ऑपरेटिंग इट कैन बी फाइनेंस अब अगर इसके लिए ऑपरेटिंग लीज है अगर इसके लिए ऑपरेटिंग लीज है तो फिर वो क्या करेगा वो जो भी रेंटल्स है वो बुक करेगा डायरेक्टली इन प्रॉफिट एंड लॉस है ना तो अब इसमें भी एक कंसेप्ट है कि जो भी आपके रेंटल्स है सपोज आपके रेंटल्स कितने टू लैख टेन थाउजेंड आपको पांच पेमेंट मिलेगा है ना तो कितना आएगा टू लैख टेन इंटू फाइव कितना आएगा टेन पॉइंट फाइव लैक्स बट भले आपको पांच पेमेंट मिला है बट ये रेंटल आपके तीन साल के है

तो बाकी आप एक डेबिट साइड में रिसीवेबल करके शो करोगे एक point, sorry, एक की तरह सॉरी रिसीवेबल करके शो करोगे अब ये कब मिलेगा आपको तो इसमें पूछा है करंट पोर्शन बताओ तो है ना अगर आप अभी पूरा चार्ट बनाओगे एस एल एम का तो इसमें से आपको ऐसा मान लो ये रिमेनिंग चार इंस्टॉलमेंट में रिकवर होगा रिमेनिंग कितने रिमेनिंग देखो पांच में से एक तो आपको आज मिल गई तो ये वन पॉइंट फोर रिसीवेबल है वो चार में रिसीवेबल तुम समझ रहे हो? तो प्रोपोर्शन देखोगे फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट फोर लैक्स में से थर्टी फाइव थर्टी फाइव थर्टी फाइव थर्टी फाइव आप चारों पेमेंट में रिकवर करोगे तो ये जो नेक्स्ट ईयर में आप रिकवर करने वाले हो ये आपके करंट पोर्शन में आएगा और ये जो आप

बट आप पी एन एल में कितना बुक करोगे सिर्फ थ्री पॉइंट फाइव लैक तो बाकी आप क्या बुक बाकी आप क्या रिवर्स करोगे जो रिसीवेबल है वो रिवर्स करोगे ना तो सेवेंटी का आपका रिसीवेबल रिवर्स हुआ ईयर टू में तुम समझे इसलिए यही सेवेंटी से आपका करंट में गया क्योंकि बाकी सेवेंटी ईयर थ्री में रिवर्स होगा मेरे ख्याल से मेरे एंट्री देने से आपको क्लैरिटी आती है ये पूरा डिस्कशन मुझे करना ही नहीं चाहिए क्योंकि हेमजी भी रॉन्गे बट स्टिल मुझे लगता है इन लोगों का भरोसा नहीं वो अगर कुछ कांड वगैरह कर दिया तो तुम संभाल लेना भाई चेंज करके पूछा तो क्लियर

दो इनकम है एक तो जो उसनेक्रूड बेसिसन की इसमें आपन आपन पर अपना हिस्सा रिकॉर्ड करते हैं और एक डिविडेंड जो उसने बकायदा डिक्लेयर करके पे की और उतनी वाली कम हो जाता है ठीक है

On 1st Jan 13, you also acquired a 60% stake in S. Yes, the cash consideration payable was rupees 1 CR to be paid immediately and 1.2 CR paid after 2 years. एक काम करो. पहले लिख लेते फटाफट से. आपने PC कितना दिया? PC आपने 60% के लिए दिया 1 CR cash immediately. उसके अलावा आपने deferred. ये दो साल के बाद दोगे तो deferred consideration है. 1.2 CR के लिए discounting factor दे रखा 10%. दो साल से discount करो उसको. तो deferred consideration आपका होगा 1.21 divide by 1.10 रेस्ट टू तुम समझे पे करो डायरेक्टली तो मेरे ख्याल से उसका भी आंसर आपका वन ही आता है डिफरड कंसीडरेशन को आप कौन से वैल्यू बुक करते हो प्रेजेंट वैल्यू ना निकालो ना 1.21 डिवाइड बाय 1.10 रेस्ट टू आएगा आपको सेम आंसर तो ये आपका 60% का पीसी होगा कितना हो गया 2 सीआर उसके अलावा क्या बोलता है उसके अलावा बोलता है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट इज 3 एनसीआई इज मेजर प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ आइडेंटिफिएबल नेट एसेट्स मतलब एनसीआई पीएसएन पे तो आप बोलो एनसीए फोर्टी परसेंट एड करना है पीएसएनए के हिसाब से तो पीएसएनए पे मतलब थ्री सीआर जो आईएनए है उसका फोर्टी परसेंट दैट विल बी वन पॉइंट टू सी माइनस कर देना आईएनए आईएनए ए आई थ्री सी है माइनस कर दो मिलेगा आपको आंसर पॉइंट टू सी का पॉजिटिव आया तो गुडविल है खत्म कहा तो गुडविल आएगा ट्वेंटी लैक्स का सी फिफ्थ का आंसर है सी फोर्थ का भी सी और फिफ्थ का भी सी क्लियर यस सर ये आपकी केस स्टडी नंबर टू के जिसमें अगेन मिक्स ऑफ मल्टीपल इंडिया से केस स्टडी नंबर थ्री

पहले ज्ञान दिया हुआ है कि मल्टीनेशनल कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है पैसा ही पैसा होगा अंबानी वाली कंपनी ठीक है, है आ गया हो. <laughs> काम की बात करो ना फाल देते ना फालतू फालतू ज्ञान ज्ञान देते निकालेंगे तो क्वेश्चन बड़ा छोटा बनेगा डेट ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब ये 101 पे. तो बेसिकली होता क्या, जब आपको जिस साल में इंडस एप्लीकेबल हुआ करंट बन जाता है फिर आप बनाते हो प्रीवियस ईयर और जब आप पहली बार इंडेस लगा रहे हो तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी देनी होती है दैट इज अ डे वन ऑफ प्रीवियस ईयर तो अगर आप प्रीवियस ईयर का डे वन निकालोगे तो आएगा फर्स्ट अप्रैल ट्वेल्व सिंपल ये तब समझेगा जब समझा हुआ है आगे एज अ थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेल्व ऑफ रॉ मटेरियल वॉज इन करेक्टली रिपोर्टेड ड्यू टू एन एरर अब सिंपल सी बात है जब एरर होता है तो कब का एरर है क्या ये प्रीवियस ईयर का एरर है नहीं ये प्रीवियस ईयर के पहले का एरर है तो प्रीवियस ईयर के पहले के जो एरर्स है वो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में एडजस्ट करोगे मतलब इस केस में डेट ऑफ ट्रांजैक्शन वाले बैलेंस शीट में एडजस्ट करोगे आप अब यही पूछा हुआ है आपको विद रिस्पेक्ट टू व्हिच स्टेट वेदर स्टेट व्हेन द एरर वेदर द एरर शुड बी रिपोर्टेड इन इनडायस एंड नाउ नाउनी हाउ टू रेक्टिफाई इट शुड बी हाउ टू रेक्टिफाई इट अब इसमें क्या बोला है एच शाल रिपोर्ट द इंपैक्ट एज अन करेक्शन

अनस्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड टेक्निकल सपोर्ट्स ऑनलाइन एंड टेलीफोन क्या क्या दे रहा है सॉफ्टवेयर लाइसेंस दे रहा है इंस्टॉलेशन सर्विस दे रहा है फ्री में अपडेट्स देगा और टेक्निकल सपोर्ट देगा चार चीजें दे रहा है अब नॉर्मली क्या होता है हमको ये देखना होता है कि यह सिंगल पीओ है मतलब भले ही मल्टीपल गुड्स एंड सर्विस है बट क्या यह कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्ट में सिंगल है या मल्टीपल है अब अगर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट नहीं है इंटरडिपेंडेंट नहीं है तो ये अलग अलग ऑब्लिगेशन माने जाएंगे बट अगर ये सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है तो ये सिंगल ऑब्लिगेशन होगा उसके लिए आगे की इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी जी सेल्स द लाइसेंस इंस्टॉलेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट सेपरेटली वो बोलता है कि ये नॉर्मली सेपरेटली बेचते हैं इन लोग आगे इंस्टॉलेशन सर्विस इंक्लूड्स चेंजिंग द स्क्रीन फॉर इस टाइप ऑफ यूजर

मजा आ गया सर तो ये वन वन फाइव के ऊपर था सेकंड वाला पार्ट थर्ड वाला पार्ट जी सेल्स एट ट्वेंटी परसेंट इंटरेस्ट इन होली ओन सब्सिडी टू आउटसाइड इन्वेस्टर्स फॉर हंड्रेड लैक्स इन कैश अब आपने ट्वेंटी परसेंट बेचा ऑफ ए होली ओन सब्सिडी तो इसको बोलते हैं डिस्पोजल विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल डिस्पोज तो क्या लेकिन कंट्रोल नहीं गया

40 लैक्स तो ये क्योंकि क्रेडिट साइड में तो गेन जैसा हो गया आपके लिए बट ए गेन पीनल में नहीं कंसोर इक्विटी बुक होना चाहिए देखते तो क्या बोलता है वट इज द अमाउंट ऑफ गेन ऑन सेल तो मेरे ख्याल से गेन का अमाउंट कितना 40 ना 40 डी थ्री का डी आंसर है यस yes. तो ये तीनों केस स्टडी जो मल्टीपल इंडेस इन्वॉल्व करती है खत्म

दो आरटीपी की थी वो करा चुका तीन एम टी पी की थी कवर हो गई ठीक है अब सर आपने एक बात बोली थी हमको वो आप हमको सोर्स बताने वाले थे कहां से पूछ रहे हैं आपको पता है जैसे आपके अभी आई है वैसे पहले इलेक्टिव होते थे आपको चूज करने बोलते थे काफी लोगों ने गेस भी कर लिया होगा आपको है ना एक पेपर था जीएफ आर एस है ना तो उसमें उसमें उन लोग मतलब तभी जीएफआरएस मतलब

it is not about number of questions which you are covering it is about the quality of conceptual knowledge you have quality head of तुम समझ रहे हो क्या तो ध्यान रखना तो बाय चांस किसी का अटैम्प बहुत लेट है जो पहले देख रहे कभी करना है तो उठा के कर सकते हो अच्छा मुझे मत परेशान करना प्लीज हाँ ये भी आप ही करवा दो पेपर भी मैं दे दू क्या सर दे दो तो मजा आ जाएगा सर ठीक है बट आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नो द सोर्स ऑफ इट ठीक है तो वो के जी एफ में भी एम निकलती थी पास पेपर्स होते थे वहां से उठा उठा के बनाते रहेंगे मुझे लगता है अगले दो तीन साल का उनका पास डेटा है जो उन लोग बना के पूछने वाले के स्टडीज ठीक है तो ध्यान रखना टाइम है तो कर लेना हो बट ठीक है तुम जानते हो टाइम तो नहीं है ना सर ठीक है तो जितना एटलीस्ट इतना क्या उतना कर लेना आप आपको देखो आप अगर देखोगे ना केस स्टडी कैसे पूछ रहे आप देखोगे तो क्वेश्चन कहाँ से उठा रहे जो ऑलरेडी क्वेश्चन बैग में वहां से उठा उठा के बना बना के पूछ रहे ठीक है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपसे हो जाएगा ठीक है तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल मोस्टली मैंने केस सिनारियो बेस्ड पे वर्क किया है अगर आपके कुछ क्वेरीज वगैरह इंडिविजुअल एमसीकोस को लेकर तो है ना कुछ कुछ इंडिविजुअल एमसीकोस में आईसीआई के आंसर गलत है कुछ कुछ में ठीक है तो मैं कोशिश करूंगा मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दू नहीं भी बनाऊँ तो आप कंसेप्टली क्लियर हो आपको समझ जाएगा ठीक है तो मैंने कोशिश किया कि एटलीस्ट मैं केस नरे वाले यहाँ इस वीडियो में कवर कर लूँ इंडिविजुअल का मैं कोशिश करूंगा समय मिला तो उसका भी डिस्कशन ले आऊंगा समय मिला तो ठीक है बट वो आप कर लोगे तो भी ठीक है अगर आपके पास टाइम का कंस्टेंट है तो एटलीस्ट केस नरे वाले कर लेना ठीक है चलो सो आप दिस आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल अगर यहाँ तक देखने के बाद आपको हेल्पफुल लगा एक सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना है ना उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है जितना ज़्यादा बच्चे मैं कैटर करूंगा उतना मुझे अच्छा लगेगा है ना उतना मुझे और आपके लिए डालने का मन करेगा ठीक है और उसके अलावा ये एमसी सी को बुक टेलीग्राम चैनल पे वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो ठीक है तो इसी बात पर सर्शन करते हैं शुक्रिया एवरीवन थैंक यू सो मच बॉ बाय केयर सी यू ऑल बाय